मेरे घर तो चलो बिल आया, मैंने अपनी रिंग बेच दी सफा। कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं बिल की वजह से, कई लोगों के हालात इतने खराब हैं वो अपनी बाइक के बेच रहे हैं। बिल देना इस टाइम इंसान पे जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं लिया होता। क्या जानना चाहते हैं आप? मारना चाहते हैं गरीब लोगों को? दाल रोटी जो खाते थे आपने उनसे वो भी छीन लेनी है? पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उसके कौन वाली वारिस है? एक बंदा कमाने वाला और 8-9 लोग खाने वाले हैं। मेरे जैसी बंदी चीख सकती, लाइबा खान जैसी बंदी, कि यार एडा बिल आ गया? मतलब जो बंदे की आधी ख्वाहिश होती है ना राशन रूशन डालने की, चलाने का सिस्टम, वो खत्म हो जाता है। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ की बेटियां भी हमारी खराब हो? बेचारों का क्या कसूर? क्या मुझे बताएं, वैसे जहर दे के मार दें पाकिस्तानी वाम को आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जहाँ पूरे मुल्क में आप बिल का शोर सुन रहे हैं, कहीं बिलों को जलाया जा रहा है और कहीं खुदकुशियाँ की जा रही हैं इस बिल को लेकर, आज हम मौजूद हैं लाइबा खान के पास और इनका बिल देखें कितना ज़्यादा आ गया। वो भी इस बिल को लेकर परेशान है। जहाँ आम आवाम परेशान है, वहाँ आर्टिस्ट भी बिल की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में तसव्वुर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि ये बिल का मामला कैसे सॉल्व होगा और क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बिल आपका मैं देख के रहान रह गया हूँ। पूरे मोहल्ले की बिजली आपके घर से चलती है? क्या बात है, मेरे घर तो चलो बिल आया, मैंने अपनी रिंग बेच दी सफा। कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं बिल की वजह से, कई लोगों के हालात इतने खराब हैं वो अपनी बाइक के बेच रहे हैं, या सो मसले मसाइल है। मतलब बिल देना इस टाइम इंसान पे जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं लिया होता, वो देने वाली मिसाल हुई हुई है। लोग मुझे कहते हैं आप भी कोई बंदा घेरती तो बिल दे देती। तो बात ये है कि देखो, बंदे जो घेरने होते हैं वो बाद में आपको ऑफर भी गलत करते हैं। मेरे काम वाली थी बेचारी, वो इतनी परेशान है, उसकी 15,000 सैलरी है, मैंने वो भी काम वाली को भी निकाल दिया। वो आई मेरे से मदद लेने के, बाजी मेरी थोड़ी जी मदद कर दो, मुझे 18,000 बिल आया। 15,000 उसकी सैलरी है और बिल 18,000 बिल आया। कईयों को, मेरी वालदा है उनको क्या कहते हैं 32,000 बिल आया। मेरे भाई है जो कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, उनको क्या कहते हैं ये 16,000 बिल आया। तो मतलब ये कहाँ से लोग देंगे? क्या मतलब हुकूमत का ये सारा प्लान है या ये वापटा वालों का प्लान है कि यहाँ से सबसे पैसे निकाल के कुछ इस तरह का सिस्टम लगाया जाए? अब मारना चाहते हैं, आगे दाल रोटी तो वैसे नहीं गरीबों की चल रही थी, हम गोश्त तक तो बेचारे अभी तक पहुंचे ही नहीं। जो गरीब लोग हैं वो दाल रोटी और आलू पका लें तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप कभी जाके गरीबों के घर के हालात देखें, कितने परेशान हैं, कितने लोग डिस्टर्ब हैं यार। कहाँ पे हुकूमत है, जागी है या सोई हुई है? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इस मुल्क का सिस्टम चल क्या रहा है। मियाँ साहब कह रहे थे कि मैं कपड़े बेच के आवाम का ख्याल रखूंगा, खाना शाना दूंगा, तो अब कहाँ गए मियाँ? कपड़े वो अपने बेचेंगे तो क्या उसे सरमाया पूरा हो जाएगा? ट्रोल कहाँ पे जा रहा है, ऊंचाइयों पे जा रहा है? कभी हालात देखे मुल्क के कैसे जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया हुआ है गरीब बंदे का। कभी आप किसी गरीब की परेशानी में बैठ के देखें, वो बेचारा एक बंदा मर गया जिसने कभी महीने में मेरे ख्याल से उसकी पेंशन से गुजारा होता होगा, वो बंदे को 10-12,000 में जो बंदा गुजारा करो, वो घर 50,000 का बिल आंदा, उन्हें एक पखा लाया तो उसका क्या कसूर है? उसने कितने महीनों से मेरा 50,000 नहीं जल्दी देखा होगा। आप हालात मुल्क के देखें, क्या जानना चाहते हैं आप? मारना चाहते हैं गरीब लोगों को? दाल रोटी जो खाते थे आपने उनसे वो भी छीन लेनी है? या आप हमारे पाकिस्तान के साथ इस तरह जुल्म होता हुआ देखना चाहते हैं? पाकिस्तान में वाल्टन पे रहती हूँ मैं, किसी को क्या रहूँ? मेरे अपना बिल इतना आया, मेरे घर के बाहर जाके देखें ढेर कूड़ा पड़ा हुआ है, किसी टाइम भी नाला टूट जाना, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलतें नहीं है, स्मेलें आ रही हैं। हमारा पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत था, उसको खूबसूरत बनाया हमने खुद था, बिगाड़ा भी हमने खुद है। मकसद ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क की बदनामी कर रही हूँ तो मुझे बड़ा प्रमोशन के लिए मैं ये कदम उठा रही, नहीं, इसमें मेरी कोई प्रमोशन नहीं है। मुझे ऐसी प्रमोशन पर लानत मारती हूँ मैं जिसमें मेरी आवाम परेशान है। मैंने आवाज़ अपने लिए नहीं उठाई, मैंने पूरे पाकिस्तान के, अगर देखे मेरे जैसी बंदी चीख सकती, लाइबा खान जैसी बंदी, कि यार एडा बिल आ गया, मेरा भी दिल करता है कोई मेरी भी इमदाद हो। मैं कहती अगर मेरे जैसी बंदी परेशान है तो यार इस पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उसके कौन वाली वारिस है? एक बंदा कमाने वाला और 8-9 लोग खाने वाले हैं। क्या करना चाहते हैं आप? पाकिस्तान की जो बेचारी बेटियां कुछ रह गई हैं, इज्जत से घर जिंदगी जीना चाहती हैं, जिस तरह के हालात जा रहे हैं आप चाहते हैं कि यहाँ की बेटियां भी हमारी खराब हो? हमारे मुल्क की जो थोड़ी सी इज्जत रह गई उसको भी आप बर्बाद करना चाहते हैं? ये तो बिजली के बिल की बात है, पेट्रोल महंगा हो गया। यहाँ पे बिजली की बिल की बात हो रही है, ये एक अलग है, यहाँ पे पूरे सरमाए की बात हो रही है। इसका हम चाहते हैं इस पे आवाज उठाई जाए, हर चीज महंगी कम की जाए। बिल तो आ गया इस महीने, अगले महीने में हमें क्या ठुकता है ये बताएं? अगले महीने में क्या बेचूंगी? अपनी ईमानदारी से बताएं, आप परेशान नहीं हैं क्या? आप यहाँ से सारा कुछ कमाते हैं क्या? आपकी कोई जितनी दफ़ा आप इंटरव्यू किसी का करने थे क्या आपकी इमदाद करें, मदद करें? कोई किसी की नहीं करता सर। आज के जो लाद जा रहे हैं, मैं कहती हूँ कि इतनी को परेशानी है मेरी किसने की है?
मैं किसके आगे रोऊं, हुकूमत के आगे रोऊंगी ना, या वापटा के आगे रोऊंगी कि खुदा दा वास्ता जरा तुसी बंदे भेज दे जे वो घर दा का वेख के भेजा करो कि उन्होंने इन्ना पता होए कि यार यूनिट वेखने ते बोते ना करिए घट ना करिए, कोई खुदा का कुछ तो खौफ करे इस मुल्क में, कुछ तो अपना रहमत आप फरमाए। मुझे तो यही समझ नहीं आती हमारी हुकूमत है कहाँ पे, अगर सो गई है तो प्लीज उठाना पड़ेगा हमें। टिकटॉक पे बिलों पे बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, तो खुदा का वास्ता ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों का एक मुझे कल मैसेज एक लड़के का आया, आपने वीडियो बनाई बिल पे तो क्या हो गया, आप इतनी बात नहीं है भाई, तू दे सकता है, तू दे सकता है, तेरे बाप दादा की फैक्ट्री है तू दे सकता है, ऐसे आवाम है उनके घर में चूल्हा भी गर्म नहीं होता भाई। अभी तक महीने की मैं कामली की बता रही, वो बेवा औरत है, उसके तीन लोग खाने वाले हैं, वो कहाँ से बिल देगी, कहाँ से देगी, ये कभी आपने गौर किया? आप दे सकते हैं, बाकी वाम नहीं दे सकती। मैं गरीब लोगों की बात करती हूँ, मैं अमीरों की बात ही नहीं कर रही, मैं आप लोगों को भाई छेड़ना भी नहीं चाहती, मुझे पता आप बिल क्या, आप तो किसी को भी खरीद सकते हैं। मैं तो उन गरीब लोगों की बात की है जो बेचारे मजदूर हैं, जिनकी आमदनी महीने की जरूरतें नहीं पूरी हो सकती, उनका महीने के खर्चे नहीं पूरे हो सकते, उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। आज ये बिल आ गए, कल इसको अगर आज नहीं रोका जाएगा कल इनके मुँह खुल जाएंगे। बिल तो बम एंज छुटे जिम्मे, उन्होंने वास्ते कोई मामूली गल है। गैस का बिल डबल हो गया, पानी का बिल डबल हो गया, गैस का अब बताएं गर्मी में 6000 आने का क्या तुक बनता है। मेरा खाना मेरी वालदा की तरफ से आता है क्योंकि मैं दो टाइम खाना खाती हूँ। 6000 बिल कैसे आ गया? अब ये बिजली का बिल है, इस पे आधे तो टैक्स है आपके, चले इस पे टैक्स आ गए बिल के, अब गैस पे किस चीज़ का टैक्स डाला मुझे वो भी बताएं। गैस पे तो मेरे ख्याल से कोई टैक्स नहीं है क्या, उस पे भी अब टैक्स चलने लग गया, हर चीज़ पे टैक्स। हम तो शैम्पू खरीदते हैं 5 रुपए की, जो पुड़िया मिलती है उस पे भी टैक्स है, माचिस पे टैक्स है, बिस्किट पे टैक्स है, निमको पे टैक्स है, चिप्स पे टैक्स है, हर चीज़ पे हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये बिलों पर भी अब डाल दिया। बिलों पर तो आप टैक्स ना ही डालें तो बेहतर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, 3-4 चीज़ें आप सस्ती कर दें और एक बिल कम कर दें, आपका सारी उम्र हम इतना एहसान मानेंगे। इन गरीबों के अलावा दूसरों सबको जीने दें, थोड़ी सी ज़िंदगी है, आप चाहते हैं कि परेशानी में इंसान वहाँ मर जाए। मैंने देखे अपनी रिंग बेची है तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, मेरे वालिद साहब की निशानी थी। आपने सेल कर दी? मैंने सेल की, जब किए तो मुझे पता था कि अगले महीने अगर मैं नहीं आज जमा नहीं करवाऊंगी तो अगले महीने डबल हो जाएगा। काकड़ साहब आए हैं नए वज़ीर आज़म, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ लेकिन उनके लिए एक पैगाम दूंगी, अगर आप भी पहले की तरह करेंगे तो खुदा का वास्ता आवाम को अपनी तरफ खींचें, आवाम को अपने से दूर ना करें। यह पाकिस्तानी आवाम बहुत प्यारी है, ये चाहती है कि हमें सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी ना हो, हमारे बिल और पेट्रोल और कुछ ऐसी चीज़ें जो कम की जाएं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो बिल एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है क्योंकि महीने बाद आता है और लोगों के लिए एक अजाब बन के आता है, जैसे बम फूट नहीं जाता बंदे थे, वही बिल कितना आ गया, वही इतना ज़्यादा बिल, मतलब जो बंदे की आधी ख्वाहिश होती है ना राशन रूशन डालने की, घर चलाने का सिस्टम, वो ख़त्म हो जाता है। चलो हम लोग तो ये समझ लिया, जो बेचारे 15000 रुपया सैलरी है 18000 कितों देंगे, चलो अगले ये इस महीने दे दिया उन्होंने 18000, अगले महीने 20000 हो गया, वो कहाँ से देंगे? गर्मी के महीने में आपने गरीब बंदों को सही जलील करते हैं, बेचारों का क्या कसूर क्या, मुझे बताएं वैसे जहर दे के मार दें पाकिस्तानी वाम को आप लोग, क्या मतलब इस तरह तो मेरा ख्याल से जीने का हमें कोई हक नहीं। मैं कहती हूँ कि मेरा तो दिल करता है कि मैं सरेआम फिर कुछ कर बैठूँ, आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो फिर समझाएं, हमें आगे समझाएं या हमारे लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म निकालें। मैं भी गरीबों में शामिल होती हूँ, मैं भी मेहनत करके रोटी कमानी है। हमारा आवाज़ उठाने का आज यही मकसद है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो अगला महीना आ रहा है उसमें प्लीज़ खुदा का वास्ता जितना हो सकता है बिल का तावुन करें। अगर ये मैंने जमा करवाया तो ये मेरी ईमानदारी है, मैं भी चाहती तो मैं भी आग लगा देती या शोर डाल देती, मेरी आवाज़ सिर्फ यही है कि जो लोगों से नहीं दिया गया उनसे जाके पूछें उनके हालात क्या हैं, तो खुदा का वास्ता अगर जो नहीं दे सकता उनको बिल माफ़ कर दिए जाएँ, उन पे टैक्सेस ना डालें, उनको उनके घरों के मसले बहुत ज़्यादा हैं। जो किराए पर रहते हैं लोग, जो किराया भी अफोर्ड कर रहे हैं, बिल भी अफोर्ड कर रहे हैं, अपने बच्चे भी अफोर्ड कर रहे हैं, उनके लिए पूछें क्या अजाब है। चले हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ थोड़ा बहुत है, घर बार अल्लाह ने दिया शुक्र है, लेकिन जिनके पास घर भी नहीं है, जिनका महीने का किराया 20000 है और उनको पता चले ऊपर से बिल ही उनको 20-30000 आ गया, वो क्या करेंगे, अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, उनको दो दाल रोटी खिलाती थी वो भी ख़त्म हो जाएगा उनसे। मैं कौन सी कोई बहुत अमीर फैमिली से पैदा हुई हूँ, कोई लैंडलॉर्ड बादशाह की बेटी हूँ, तो मैं भी यही कहूँगी कि देखें हमसे ये बिल नहीं दिए जाते, मुझसे तो दिए नहीं जाते, मेरे पास इससे ज़्यादा लिपास क्या रह गया, मेरे पास इससे आगे कोई जवाब नहीं है। बस यही गुजारिश है कि किसी भी तरीके से खुदा का वास्ता बिल ख़त्म करते हैं, ये हालात हमारे सबके ठीक करते हैं। जी नाज़रीन, सामाइन, महंगाई के बाद पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद ये बिल का बम्बा वाम पे गिरा दिया गया और सारे अवाम जो हैं परेशान हैं, अपने तमाम तर मामलात को छोड़कर बच्चों के स्कूल जाने की फ़ीस और उनके दूसरे अखराजात, उनको सिर्फ एक ही चीज़ की फिक्र रहती है, वो है बिल। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर गा करना है, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने।